नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नए वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, लगातार जो केंद्र सरकार है 31 जुलाई के बाद अनलॉक जो 3 का फेस है उसको करने की बात कर रही है। आपको बता दें, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ा फैसला हो सकता है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ जो चीज़ें नहीं खोली गई थी अभी तक, जैसे सिनेमा हॉल, जिम और इन सभी पर जो प्रतिबंध लगाए गए, इनको कम करने की बात की जा रही है। आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें यात्रियों को एक जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो साथ में रखना होगा। साथ ही बोर्ड की उड़ान की अनुमति दी जा सके तभी जब उनके पास जब नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा तभी। आपको बता दें, वही सिनेमा हॉल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों को बाहर रखते हुए आयु सीमा के साथ ये सारी चीजें की जाएंगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, पर बाहर ये बात निकल कर जरूर आई है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो चेंज है वो होगा एज ग्रुप को लेकर। और जबकि जो मूल योजना है वो 15 जुलाई तक करनी थी, पर यहाँ पर सरकार के साथ कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। वहीं आपको बता दें, अराइवल पर सभी को अपनी लागत पर परीक्षण से गुजरना होगा और जो पेमेंट है वो करना होगा। यहाँ पर रेपिड एंटीजन परीक्षण होगा जिसमें करीब से करीब 30 से 45 मिनट लगते हैं और लगभग 500 रुपये की लागत होती है। आपको बता दें, हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराई जाएगी इन सभी चीज़ों को और हवाई अड्डों पर यात्री निकासी के लिए पूरी प्रक्रिया में 1 या 2 घंटे का संभावना होगी। आपको बता दें, किसी भी यात्री परीक्षण के आगमन पर सकारात्मक होने की स्थिति में उसे अपने खर्चे पर क्वारंटीन से गुजरना होगा। आपको बता दें, आगमन पर सभी के लिए घरेलू क्वारंटीन के लिए अभी तक कोई योजना नहीं है। पूरा विचार अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने पर यहां पर किया जा रहा है। वहीं नेगेटिव टेस्ट के बाद भी सैकड़ों यात्रियों को निवारक क्वारंटीन में रखा जाएगा और यहां पर इस सब चीज़ों को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको शुरू किया जाएगा फेज 3 में। ये जो प्रोसेस है ये अंडरवे है और फाइनल डिस्कशन आने तक का हमें इंतजार करना है। तो दोस्तों, ये है अभी तक की बड़ी जानकारी। कैसे लगी आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूं आपका दोस्त विनायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।